पॉइंट नंबर टू, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रिस्पेक्ट नॉलेज. नॉलेज नहीं मिलेगी अगर दिल में नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी. और नॉलेज की रिस्पेक्ट कहां पर जाकर एक्सप्रेस होती है? रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स, रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स, रिस्पेक्टिंग योर बुक्स. क्या आपको पता है कितने सारे स्टूडेंट्स की स्टोरीज ये है, वो किसी सब्जेक्ट से पुट ऑफ हो गए क्योंकि उसमें एक रॉन्ग टीचर था उनके पास, जो टीचर ने उनको पुट ऑफ कर दिया. इस तरह से नफरत हो गई कि वो टीचर से नहीं, वो चीज से नफरत हो गई. हालांकि होना क्या चाहिए था मालूम है आपको? टीचर को नहीं, आप टीचर के इल्म की बात कर रहे हो, पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे हो, उसके पास जो नॉलेज है उसकी बात कर रहे हो. यू रिस्पेक्ट दैट नॉलेज का मतलब क्या है मालूम है आपको? कई बार टीचर को माफ करना होता है, और माफ नहीं कर पाएंगे ना तो नॉलेज हाथ से चले जाती है. यू हैव टू ओवरलुक फॉल्ट्स. टीचर कभी कभार इंसल्ट कर देते हैं, नहीं करना चाहिए. मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, हमारे ग्रोथ को हम क्यों हिंडर करें किसी पर्सनैलिटी के लिए? हम अपनी गोल्स तक पहुंचने में क्यों गोल्स को डिस्टर्ब कर दें किसी एक पर्सनैलिटी के लिए? हमें क्या करना होगा? उस चीज से आगे बढ़ना होगा. और बहुत जरूरी है उसके लिए माफ करना. माफ करो, ओवरलुक करो. एंड दिस इज पार्ट ऑफ दैट रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज. जो रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज है उसका हिस्सा है. देखिए, आज का एक मॉडर्न कल्चर इस तरह से हो गया है वेयर किसी का रिस्पेक्ट नहीं है. पेरेंट्स का रिस्पेक्ट चला गया, टीचर्स का रिस्पेक्ट चला गया, तो दिस इज अ वेरी बैड आउटकम. ये बहुत बुरी चीज हो रही है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत बुरे होंगे. जब नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नॉलेज भी हमारे पास नहीं होगी. बहुत जरूरी हमारे लिए क्या है? दैट वी रिस्पेक्ट नॉलेज. हाँ, इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी हम सब के लिए. तो हमारा पॉइंट नंबर टू है रिस्पेक्ट नॉलेज. अपने अंदर वो रिस्पेक्ट पैदा करें, इज्जत करें. इज्जत करेंगे तब वो चीज हमें मिलेगी. बुक्स, बुक्स की इज्जत करना. अच्छा, क्या आपको पता है कि इसमें कुछ लोग ओवर जाते हैं, बोले नहीं बुक्स की इज्जत कर रहे हैं इसी वजह से मैं कोई मार्किंग ही नहीं करूंगा बुक में. ये सही है गलत है? क्यों इज्जत नहीं करेंगे? हाँ, आप मार्किंग करके गंदा कर देंगे बुक्स को, लिख लिख के गंदा कर देंगे. वहां बाजू में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अलग से लिखना चाहिए कि बुक में लिखना चाहिए? अलग लिखोगे कि बुक के अंदर लिख दोगे? हाँ, आप लोग बताइए. लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड्स. कितने लोग बोल रहे हैं बुक में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे? आई यू श्योर? कितने? हाँ करो. और कितने कह रहे हैं कि नहीं बुक बुरी साफ एंड क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन? हाँ, कुछ मार्किंग नहीं होनी चाहिए उसमें, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए. इज्जत कर रहे हैं हम. तो इज्जत का कंसेप्ट कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं. बल्कि वो बुक की ज्यादा इज्जत तब हुई जब आपने उसको अडॉर्नमेंट किया. जैसे जेवर है वो, वहां पर वो उसकी ज्वेलरी है, वो उसकी अडॉर्नमेंट है, कि जिसने इतनी इंटरेस्ट लिया इस सब्जेक्ट में कि उसके अंदर अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, बाजू में पॉइंट लिखा. ही इज रियली रिस्पेक्टेड द कंटेंट ऑफ दैट बुक. वो बुक के अंदर जो बात दी गई उसको रियल रिस्पेक्ट दिया है. तो हम वो रसम की बात तो पहले पॉइंट से ही कह रहे हैं, रसम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम रियल बात कर रहे हैं. वी आर डाउन टू द रियल सब्सटेंस. और यही चीज रिजल्ट देगी, वो क्या है? रियल रिस्पेक्ट. उसी तरह कुछ लोग टीचर्स के रिस्पेक्ट में यहां तक जाते हैं, बोले कि भगवान है वो हमारा. हाँ, टीचर तो हम वो भी नहीं कह रहे, वो इंसान है, लेकिन वी हैव टू नो ही हैज हिज लिमिटेशंस. इंसान होने के नाते लिमिटेशंस है. अगर आप बहुत ही हाई रखोगे, फिर क्या होता है, जो बहुत हाइट पे पहुंचते हैं बहुत ज्यादा जोर से गिर भी जाते हैं. तो उनको रियलिटी में रखोगे ना कि ये एक इंसान है, हु इज द सोर्स ऑफ माई नॉलेज, आई एम रिस्पेक्टिंग हिज नॉलेज. मैं उसकी इल्म की इज्जत कर रहा हूँ. इंसान और पर्सनैलिटी वो अलग हो सकता है, आई मे इवन डिफर विथ हिम, लेकिन मैं उसकी नॉलेज की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर टू. अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए. अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें. आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है.